तो हेलो एवरीवन, आज हम लोग बायोटेक्नोलॉजी की पूरी कंप्लीट यूनिट डिस्कस करेंगे, जिसके दोनों चैप्टर्स। बायोटेक्नोलॉजी का पहला चैप्टर जो हमारा रहने वाला है प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस, और दूसरा जो रहेगा हमारा वो एप्लीकेशंस। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखो, बायोटेक्नोलॉजी इज द टेक्निक बायोटेक्नोलॉजी इज द टेक्निक ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिज्म फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। पहली बात हमेशा याद रखना, रिसर्च सिर्फ इसलिए की जाती है ताकि उससे जो है ह्यूमैनिटी और ह्यूमन सोसाइटी को जो है वो बेनिफिट हो सके, ठीक है। ईएफबी का फुल फॉर्म याद रख लो, ईएफबी का फुल फॉर्म है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इसने डेफिनेशन दी थी कि द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म सेल पार्ट्स देयर ऑफ एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग्स फॉर द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। वही बात है ह्यूमैनिटी की बेटरमेंट के लिए। बायोटेक्नोलॉजी में काम किन किन चीजों पर किया जाएगा, तो पहली बात तो देखो, माइक्रोब मेडिएटेड प्रोसेस के ऊपर, जैसे कि कर्ड है, ब्रेड है, वाइन वगैरह बनाई जा रही है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के अंदर टेस्ट ट्यूब बेबीज के अंदर था, दैट इज द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड द फीमेल गैमेट आउटसाइड द बॉडी। सिंथेसिस एंड यूजिंग ऑफ अ जीन, प्रिपेरेशन ऑफ डीएनए वैक्सीन एंड उसके बाद करेक्टिंग ए डिफेक्टिव जीन, इन चीजों के ऊपर बायोटेक्नोलॉजी हमारा काम करता है। इनको आप करेक्ट स्टेटमेंट के अंदर क्वेश्चन में ढूंढ लेंगे। प्रिंसिपल क्या है बायोटेक्नोलॉजी का, तो कोर टेक्निक्स ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी जो है, यहाँ पर हम लोग के सामने देखो जेनेटिक इंजीनियरिंग आ रही है। कि जेनेटिक इंजीनियरिंग इज अ टेक्निक इन विच द डीएनए मटेरियल, हमारा जो डीएनए और आरएनए है इस केमिकली आल्टर्ड, उसके अंदर चेंजेस किए जाएंगे और उसको फिर से होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाएगा और एक हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म बन जाएगा वो, जो जिसकी फिनोटाइप जो है वो डिफरेंट रहेगी उसके उसके जो वाइल्ड रिलेटिव्स हैं उनसे। मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एम्बियंस, इट इज नेसेसरी इन द केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस फॉर ग्रोइंग डिजायर्ड माइक्रो फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एंटीबायोटिक है, वैक्सीन है, एंजाइम वगैरह वगैरह। इसके अंदर जो बेसिक स्टेप्स होंगी वो देखने, तो सबसे पहले हमारी बेसिक स्टेप्स इन जेनेटिकली मॉडिफाइड एंड ऑर्गेनिज्म, सबसे पहली स्टेप जो आती है वो आइडेंटिफिकेशन है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डीएनए विद द डिजायरेबल जीन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं पता है क्या, इसको हम लोग जीन ऑफ इंटरेस्ट भी बोलते हैं, याद रखना इस चीज को। ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक लीड टू इंक्लूजन एंड द मल्टीप्लीकेशन ऑफ अनडिजायरेबल जीन अलॉन्ग विद द डिजायरेबल जीन। तो इसके अंदर प्रॉब्लम ये आ जाती थी कि भाई जो जीन हम लोग को चाहिए वो तो हम कॉपी करवाएंगे, उसके साथ जो जीन नहीं चाहिए वो भी कॉपी हो जा रहा था। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग उस जीन को आइसोलेट करेंगे। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या करती है बोलो तो, आरडीएनए टेक्नोलॉजी क्या करती है, उस जीन को कट करके निकाल के दे देती है हम लोगों को। इट जेनेटिक इंजीनियरिंग हेल्प्स टू आइसोलेट एंड इंट्रोड्यूस ओनली डिजायरेबल जीन इनटू द टारगेट ऑर्गेनिज्म, ये खास बात है। इसके अंदर देखो, ये हुआ हमारा आइडेंटिफिकेशन, दूसरा क्या रहेगा, इंट्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट। इंट्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट के अंदर हम लोग क्या करेंगे भाई, एक वेक्टर को ढूंढ के लाएंगे, एक व्हीकल को ढूंढ के लाएंगे, और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम नॉर्मली द वेक्टर्स आर प्लाज्मिड्स। प्लाज्मिड्स आर व्हाट, प्लाज्मिड्स आर द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट इन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इन द होस्ट, अभी देखो आपने इंट्रोड्यूस कर दिया होस्ट के अंदर, उस डीएनए को आपने इंट्रोड्यूस करवा दिया होस्ट के अंदर, अब क्या करना है उसका मेंटेनेंस करना है और ट्रांसफर ऑफ द डीएनए इनटू इट्स प्रोजेनी, उसकी नेक्स्ट जनरेशन में जाना चाहिए ना। जैसे लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया कि भाई वन सेल अगर आपको गिवन है तो उसके बाद वो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, लेट से फॉर एग्जाम्पल इकोलाई की बात करो तो 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192, ऐसे बहुत सारे सेल्स, मतलब मैं 13 कॉपीज बताए अभी आपको, उसके अंदर आपको करीबन 8000 सेल्स मिल गए। तो उसके अंदर सारे जो प्रोजेनीज हैं, ये 8000 सेल जो बने उन सब के अंदर वो डीएनए पहुंचा गया हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट, वो चेक करने को हम लोग मेंटेनेंस बोलेंगे। ए पीस ऑफ द एलियन डीएनए, एलियन डीएनए का क्या मीनिंग भाई, एलियन डीएनए का मीनिंग है विच डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है, उसको कहां पर इंट्रोड्यूस करना है, क्वेश्चन आ चुका है फिर से ध्यान दो, उसको ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन में इंट्रोड्यूस करना है, जिसको और क्या बोलते हैं, ओरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बोलो, ओरी बोलते हैं, विच इज नीडेड फॉर स्टार्टिंग द रिप्लिकेशन, इट कैन नॉट मल्टीप्लाई इटसेल्फ इन द प्रोजेनी सेल ऑफ द ऑर्गेनिज्म, हेंस एलियन डीएनए इज इंटीग्रेटेड इनटू द रेसिपिएंट जीनोम, रेसिपिएंट जीनोम के अंदर ओरी के पास ही उसको इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए कब प्रोड्यूस हुआ था, तो स्टैनली कोहेन और हर्बर्ट बोयर 1972, हमेशा याद रखना, फर्स्ट आरडीएनए, दे आइसोलेटेड एन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन बाय कटिंग आउट अ डीएनए पीस फ्रॉम अ प्लाज्मिड, दिस जीन वाज लिंक्ड विद द नेटिव प्लाज्मिड। उस पहली बार जो ऑर्गेनिज्म पे काम हुआ था, देखो आमतौर से हम लोग क्या बोलते हैं पता है क्या, कि भाई द मोस्ट सक्सेसफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ ऑल टाइम, क्या नाम है उसका, उसका नाम है ई कोलाई, सेरिशिया कोलाई, लेकिन पहला माइक्रोब जिसके ऊपर काम हुआ था ना डीएनए के बेसिस पे, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम था, टाइफाइड का जो कॉजिटिव एजेंट है ना, ये बंदा साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, ये पहला बंदा था। अब वो टूल्स चाहिए हम लोगों को रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के, तो सबसे पहले तो हमको क्या चाहिए रहेगा बोलो, सबसे पहले हमको चाहिए आरई, आरई का क्या मीनिंग, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, विच आर ऑल्सो कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर सीजर। एसर्शन रीजन में पूछा था कि भाई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर सीजर, स्टेटमेंट करेक्ट है कि रॉन्ग है।
दीज आर द एंजाइम विच कट डीएनए एट स्पेसिफिक साइट इन टू द फ्रेगमेंट्स. इन लोगों को बोलते हैं न्यूक्लियस, क्योंकि ये डीएनए को कट करते हैं, इस वजह से इनको न्यूक्लियस बोला जाएगा. 1963 के अंदर टू एंजाइम्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज इन ई कोलाई. क्या केस था भाई इसके अंदर, जो है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन थे, वैसा केस है. मोर देन 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया. ध्यान से टोटल कितने हम लोग को आर ई पता है अभी, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को मैंने क्या बोला अभी, ये होते हैं आर ई. टोटल हमको अभी 900 आर ई मिल चुके हैं, कितने में से, 230 बैक्टीरिया के अंदर से. आरी का नाम कैसे देते हैं, तो भाई आरी का जो नाम रखा जाता है वो ऐसे रखा जाता है कि पहला लेटर, द फर्स्ट लेटर इंडिकेट्स द जीनस एंड द सेकेंड टू लेटर्स इंडिकेट द स्पेशीज ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल. जैसे फॉर एग्जांपल देखो यहां पर हमारे सामने कौन है, ई कोला है, तो ई कोला के अंदर पहला वाला ई से लिया और दूसरे दोनों जो वो सी ओ से है, ईको हो गया ना, देखो यहां पर ईको हो गया, ईको, ठीक है. फिर उसके बाद तीसरा वर्ड जो है वो आर वाई, ये जो आर वाई है तो स्ट्रेन के अंदर से वो आर स्ट्रेन लिया उसका, ठीक है, आर इज इक्वल टू द स्ट्रेन, ठीक है, ओके. फिर उसके बाद एकदम लास्ट में ऑर्डर ऑफ इन विच द एंजाइम वी आर आइसोलेटेड फ्रॉम द बैक्टीरिया, इसको ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी भी बोलते हैं. तो इको आर वन के अंदर ई जेनेरिक नेम है, सी ओ जो है वो स्पेसिफिक नेम है, आर स्ट्रेन फर्स्ट जो है वो द ऑर्डर इन विच द एंजाइम वॉज आइसोलेटेड रहेगा. यहाँ टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम देख लो, तो दो टाइप के बेसिक होते हैं, एक होते हैं एक्सो न्यूक्लियस, दूसरे होते हैं इंडो न्यूक्लियस. एक्सो न्यूक्लियस का प्रॉब्लम क्या है, देखो ये समझ लो आपके सामने ये जो ये डीएनए की स्ट्रैंड्स है, ठीक है, तो वो या तो यहां पर कट करेंगे या तो यहां पर कट करेंगे, प्रॉब्लम ये बाहर बाहर कट करते हैं, ये इन बिटवीन नहीं कट कर सकते, तो एक्सो न्यूक्लियस हो गए. इंडो न्यूक्लियस जो होते हैं दे कट एट स्पेसिफिक पोजिशन विद इन द डीएनए, आप जहां बोलेंगे वहां का वो जो है जीन कट करके ला के देंगे आपको. They bind to specific recognition sequences of the DNA and cut the two strands at specific position. पहला, सबसे पहला restriction endonuclease जो था वो hind 3 था, ठीक है, क्या था उसका नाम, hind 3. अब Haemophilus influenza. अब उसके बाद देखो तो यहाँ पर specific sequence of 6 base pairs पे कट करता था ये. अब extremely sorry मैंने hind 3 बोल दिया, ये hind 2 है, इसको ध्यान से, hind 2, ठीक है, और ये उसकी स्पेसिफिक जो सीक्वेंस थी, रिकॉग्निशन सीक्वेंस जो बोली जाती है वो 6 बेस पेयर्स की थी. अब यहां पर आओ, रेस्ट्रिक्शन पॉलीमर इंडो न्यूक्लियस रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, जिसका नाम है जो रहने वाली है हमारी क्या, जिसको एक साइड से दूसरी साइड से दोनों साइड से सेम पढ़ोगे, डायरेक्टली नाम बोल दे रहा हूं आपको, देखो ध्यान से देखो तो समझ भी जाओगे, ये घातक है, घातक, जी ए ए टी टी सी, क्या बोला मैंने, घातक, हमेशा याद रख लो. एग्जाम में मेजॉरिटी ऑफ द टाइम वो यही पूछते हैं कि भाई व्हाट इज द नेम, व्हाट इज द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, डायरेक्टली चारों ऑप्शन में ढूंढ लो भाई घातक. लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आएगा बताया गया, एक साइड से आपने इधर से जब घातक पढ़ा ऐसे तो आपको इस साइड से भी घातक पढ़ते आना चाहिए, ये ऐसे भी घातक है और ऐसे भी दोनों साइड से घातक, ठीक है, वैसा, ठीक है, ओके. हम लोग देखते हो मलयालम लैंग्वेज जो हमारी, तो उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो उसमें वो भी पैलिंड्रोम शो कर दिया, एम ए एल ए वाई ए एल ए एम, दोनों साइड से पढ़ोगे तो मलयालम ही पढ़ोगे. ये डायग्राम हमारा एनसीईआरटी का है, द एंजाइम कट्स बोथ डीएनए स्ट्रैंड्स एट द सेम साइट. देखो यहां पर भी ध्यान दोगे ना तो ये भी घातक ही लिखा हुआ है, देखो ध्यान से देखो, ठीक है, ओके. तो घातक कट कौन करता है, तो वो हिंटू कट करता है, क्या नहीं, हिंटू नहीं कट करता, घातक कौन कट करके देता है, देखो यहाँ पर एकदम ध्यान से देखिए तो आपको इको आर वन देखने को मिल रहा है, लास्ट ईयर का क्वेश्चन 2021-22, ये दो ईयर तो कंपल्स कंफर्म है, 23 में भी होगा तो मुझे याद नहीं आ रहा है, बट 21 और 22 में 100% क्वेश्चन आपको मिलने वाला है कि भाई ये जो रेस्ट्रिक्शन साइट क्या होती है इको आर वन की, क्योंकि सिर्फ उसी की रेस्ट्रिक्शन साइट दी हुई है, इसलिए क्वेश्चन भी सिर्फ उसी के ऊपर बनाएंगे वो लोग. रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट द स्ट्रैंड्स अ लिटल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पैलिंड्रोम साइट, वो क्यों, ताकि वो स्टिकी एंड प्रोवाइड करके दें, देखो, बट बिटवीन द सेम टू बेसिस ऑफ द अपोजिट स्ट्रैंड्स दे आर कॉल्ड एज स्टिकी एंड्स. स्टिकी एंड्स क्यों होते हैं, ताकि वैसे सॉकेट के अंदर फिट हो जाए, इसलिए स्टिकी एंड दिए जाते हैं. अगर स्टिकी एंड नहीं होंगे तो ब्लंट एंड होंगे, जो कि सॉकेट में फिट नहीं हो पाएंगे. तो ये कैसे फिट होंगे अब, तो भाई नाइट्रोजन जो हमारी जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू, कॉम्प्लीमेंट्री जो होते हैं एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू ही वो ज्वाइन होते हैं. एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर ज्वाइनिंग द डीएनए स्ट्रैंड्स, दैट इज नन अदर देन, बोलो तो क्या नाम है उसका, उसका नाम है डीएनए लाइगेज. देखिए हेलिकेज जो है ना, डीएनए लाइगेज डीएनए स्ट्रैंड्स को ज्वाइन करता है, डीएनए हेलिकेज डीएनए स्ट्रैंड्स को सेपरेट करता है, और इसके साथ एक और एंजाइम आपको मिलेगा न्यूक्लियस, ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स को ब्रेक करता है, इसमें डिफरेंस है, और यही न्यूक्लियस हम लोग का रेस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस माना जाएगा.
ठीक है ओके. When cut out by the same restriction enzyme, the resultant DNA fragment of the same kind of the sticky end. दोनों के पास same sticky end चाहिए आपको. देखो ये आपका foreign DNA था, ठीक है. यहाँ पर हमारा vector DNA जो plasmid है, जो vehicle है, उसको कट किया है हमने. Same RE से कट करना पड़ेगा ताकि sequences same match हो जाए. तो यहाँ पर हमने same RE से कट करके इस DNA को निकाल लिया. यहाँ पर हमने same RE से कट किया हुआ है. यहाँ पर देखो ये joined है, ठीक है. ये join करवा दिया हमने. ज्वाइन करने के बाद हमारे पास ये ट्रांसफॉर्मर बना और ये 1 से 2 सेल हो गए ना, 2 से 4 हो जाएंगे, 4 से 8 हो जाएंगे, ऐसे मरते चले जाएंगे वो. नाउ द सेपरेशन एंड द आइसोलेशन ऑफ द डीएनए फ्रैगमेंट्स. उसको आइसोलेट कैसे करोगे, तो आप लोग वो टेक्निक यूज करने वाले हो. टेक्निक का नाम है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पॉलीमरेज एक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. यहां पर हमारे पास जो है एगरोस जेल यूज की जाएगी. एगरोस जेल जो है वो रेड एल्गी जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया से ऑब्टेन की जाती है. अगार अगार करके प्रोडक्ट होता है. इसके ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है कि भाई अगार अगार इज ऑब्टेन फ्रॉम, तो वो जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया है. लेकिन उन लोग आमतौर से ऑप्शन देते हैं रोडोफाइसी मतलब रेड एल्गी, ठीक है ओके. अब देखो ये हमारे सामने डायग्राम है जिसके अंदर हम लोग देख रहे हैं भाई माइग्रेशन ऑफ डीएनए. देखो इलेक्ट्रोफोरेसिस इज बेसिकली इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है ना, इट इज अ टेक्निक टू सेपरेट द डीएनए. क्या बोला मैंने, इलेक्ट्रोफोरेसिस इज द टेक्निक टू सेपरेट द डीएनए ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज. जितनी ज्यादा साइज होगी उतना कम डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगा आपका डीएनए का स्ट्रैंड, डीएनए का जो पार्ट है. वेयर एज जितनी कम साइज होगी उतनी आगे चला जाएगा वो, ठीक है. फ्रैगमेंट जो रहेगा डीएनए का वो. डीएनए फ्रैगमेंट कैन बी सीन एज अ ब्राइट ऑरेंज कलर. दो बार क्वेश्चन पूछ चुका है भाई कौन सा कलर, ब्लू कलर करके पूछ रहा था कि ब्लू कलर है क्या, नहीं है, ब्राइट ऑरेंज कलर है. लेकिन कब पता है क्या, जब उसको हम लोग इथिडियम ब्रोमाइड डीएनए स्टैंड्स दे अपियर एज ब्राइट ऑरेंज कलर व्हेन दे आर स्टेंड विद द इथिडियम ब्रोमाइड एंड दे आर ऑब्जर्व्ड अंडर यूवी रेडिएशन, देन ओनली दे विल बी शोइंग यू ब्राइट ऑरेंज कलर. डीएनए बैंड्स आर कट आउट फ्रॉम द एगरोस जेल, दिस इज कॉल्ड एज इल्यूशन. सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम द एगरोस जेल इज कॉल्ड एज इल्यूशन. इस पे भी क्वेश्चन देख लेंगे आप. दिस प्यूरिफाइड डीएनए आर यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट द रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाय जॉइनिंग विद द क्लोनिंग वेक्टर. अब क्लोनिंग वेक्टर के बारे में पढ़ लेते हैं भाई. एक डीएनए मॉलिक्यूल होता है जिसके पास एक फॉरेन डीएनए सेगमेंट और रेप्लिकेट इनसाइड द होस्ट सेल. जैसे कि देखो आमतौर से प्लाज्मिड होते हैं लेकिन बैक्टीरियोफेजेस भी यूज किए जा सकते हैं. बैक और यैक करके क्वेश्चन आ चुका है. बैक रहेगा बैक्टीरियल आर्टिफिशियल वैसे, ठीक है ओके. अब आगे देखें तो प्लाज्मिड, तो इसके अंदर देखो तो क्रोमोसोमल डीएनए और बैक्टीरिया सम प्लाज्मिड्स हैव ओनली 1 to 2 कॉपीज पर सेल, जबकि कुछ बैक्टीरिया के पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जो सर्कुलर डीएनए होते हैं वो 15 से लेकर 1000 कॉपीज पर सेल भी मिल जाते हैं हम लोगों को. वैसे बैक्टीरियोफाज देख लो तो भाई ये बहुत ज्यादा होते हैं. दे आर वेरी हाई कॉपी नंबर ऑफ देयर जीनोम विद इन द बैक्टीरियल सेल. व्हेन द क्लोनिंग वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड इन द होस्ट दे आर लिंक्ड कॉपी द लिंक्ड पीस ऑफ द डीएनए इज आल्सो मल्टीप्लाइड टू द नंबर्स व्हिच आर इक्वल टू द कॉपी नंबर ऑफ वेक्टर. फीचर्स रिक्वायर्ड फॉर क्लोनिंग इन टू अ वेक्टर, इसके अंदर सबसे पहले ओरी ढूंढना पड़ती है. ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के, भाई रेप्लिकेशन स्टार्ट कहां से होता है, ये सीक्वेंस जहां पर रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है और वहीं पर हमारा पीस ऑफ डीएनए अटैच किया जाएगा. इसको प्लीज याद रखो, ये अभी तक क्वेश्चन दिख नहीं रहा मुझको कहीं पे. ए पीस ऑफ डीएनए लिंक टू द ओरी कैन रेप्लिकेट विद इन द होस्ट सेल, ठीक है ओके. और वेक्टर के अंदर अब ये देखो हमारे पास एक वेक्टर आ रहे हैं. सिलेक्शन मार्कर, ये मार्कर जीन्स होते हैं. मार्कर जीन्स बेसिकली कुछ और नहीं होते, मार्कर जीन्स आर नथिंग बट दे आर ऑल्सो डीएनए सीक्वेंसेस, ठीक है. वो भी सीक्वेंसेस होते हैं. इट इज अ जीन दैट हेल्प टू सेलेक्ट द ट्रांसफॉर्मेंट एंड एलिमिनेट द नॉन ट्रांसफॉर्मेंट. आमतौर से देखो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, वो एक ऐसा प्रोसेस है इनके अंदर पीस ऑफ डीएनए जो होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है और जिसके अंदर इंट्रोड्यूस किया जाएगा उसको ट्रांसफॉर्मेंट बोला जाएगा. और अगर वो नहीं ट्रांसफॉर्मेशन हो पाया तो वो बंदे को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट बोलेंगे, ठीक है. सेलेक्टेबल मार्कर्स ऑफ ई कोला इंक्लूड द जीन्स इनकोडिंग रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक. लाइक देखो क्या क्या है बोले तो चार देखो, एम्पिसिलिन, क्लोरामफेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन और कैनामाइसिन. ये चारों के नाम हमेशा याद रखना. इसके अंदर जो आमतौर से एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दी गई है वो एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन की एग्जाम्पल है. नॉर्मल ई कोलाई सेल्स हैव नो रेजिस्टेंस अगेंस्ट द एंटीबायोटिक. नॉर्मल ई कोलाई के पास कोई रेजिस्टेंस नहीं रहेगा बट वन विद अदर हमारे ट्रांसफॉर्मर्स के पास रहने वाला है. वेक्टर, टू लिंक द एलियन डीएनए द वेक्टर नीड्स ए सिंगल और वेरी फ्यू रिकॉग्निशन साइट्स फॉर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम. मोर देन वन रेस्ट्रिक्शन साइट जनरेट्स सेवरल फ्रैगमेंट्स. एक रेस्ट्रिक्शन साइट से बहुत सारे फ्रैगमेंट्स हमको मिल जाएंगे. उनको ज्वाइन करने के लिए क्या करोगे, डीएनए लाइगेस को बुलाओगे. डीएनए लाइगेशन ऑफ एलियन डीएनए इज कैरीड आउट एट रेस्ट्रिक्शन साइट जहां पर हम लोग दोनों साइट से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन यूज करने वाले हैं. दोनों के नाम बोलो तो क्या है, एक है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंसी और दूसरा क्या है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंसी, ठीक है ओके. नाउ यहां पर बैम एच वन लिया है, बैम एच वन ऑफ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन इन वेक्टर
PBR322, one of the most important plasmid of all time. Naam hai plasmid of Bolivar and Rodriguez. Number strain 322. ठीक है, ये एक recombinant plasmid बन जाएगा. और उसके बाद if ligation does not occur वो non recombinant plasmid होगा. उसके बारे में उतना नहीं. देखो एक एक vector का photo हमारे सामने है, इसके अंदर बहुत सारी recognition sequences हैं. जैसे देखो equa R1 की दिख रही है, ये आपका PVU1 है, ये PST1 है, ampicillin resistance gene यहाँ है, tetracycline यहाँ पर है, SAL1 है, ये BAMH1 है, ये PV2 है. इसके अलावा देखो यहाँ पर ORI है, original replication यहाँ पर, ये HIND3 का है वैसे. ठीक है, ओके. एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स के बारे में क्या बताया था, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट. आरओपी का फुल फॉर्म देख लो, आर कोड्स फॉर द प्रोटीन इन्वॉल्वड इन द रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड. रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड, द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड्स आर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट, क्योंकि उसके अंदर ड्यू टू इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए. ठीक है, रिकॉम्बिनेंट जो रहेंगे हमारे, नहीं उल्टा बोला, रिकॉम्बिनेंट जो होंगे उनके पास टेट्रासाइक्लिन की रेजिस्टेंसी खो जाएगी, क्योंकि वहीं पर हमने फॉरेन डीएनए एडजस्ट किया ना. देखो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंसी जो है वहीं पर हमने हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड कर दिया, तो उनके पास अब टेट्रासाइक्लिन की रेजिस्टेंसी नहीं रहेगी. ध्यान से, ओके. व्हेन द प्लाज्मिड्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू ई कोलाई, थ्री टाइप्स ऑफ सेल्स आर फॉर्म, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ट्रांसफॉर्मेंट्स एंड ट्रांसफॉर्मर्स विद रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड. नॉन ट्रांसफॉर्मर्स का क्या केस है, तो दे हैव नो प्लाज्मिड, सो दे आर नॉट रेजिस्टेंट टू इधर टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन, को कुछ लेना देना ही नहीं है. ट्रांसफॉर्मर्स विद नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, ये जो है दोनों टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन दोनों की रेजिस्टेंसी शो कर देंगे, लेकिन 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 जो हमारा ट्रांसफॉर्मर रहेगा वो सिर्फ एम्पिसिलिन की ही रेजिस्टेंसी शो कर पाएगा, क्योंकि दे हैव लॉस्ट द टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंसी बिकॉज ऑफ द इंसर्शन ऑफ द जीन ऑफ इंटरेस्ट. तो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड जो रहेगा हम लोग कैसे ढूंढेंगे, तो उसको एम्पिसिलिन रेजिस्टेंसी के मीडियम में डालोगे तो दोनों के दोनों शो कर देंगे, लेकिन अगर टेट्रासाइक्लिन की रेजिस्टेंसी जीन में उसमें टेट्रासाइक्लिन के रेजिस्टेंट मीडियम में डालोगे, जब टेट्रासाइक्लिन के मीडियम में डालोगे तो उस टाइम पे रिकॉम्बिनेंट जो है उस पर ग्रो नहीं हो पाएंगे. ठीक है, वो एम्पिसिलिन पे ग्रो हो जाएंगे बट टेट्रासाइक्लिन पे ग्रो नहीं हो पाएंगे, जबकि नॉन रिकॉम्बिनेंट जो है वो दोनों में ग्रो होंगे, तो ऐसे हमको पता चल जाएगा. ठीक है, ओके, चलो नीचे आ जाए. अब सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट ड्यू टू द इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक रिक्वायर साइमल्टेनियस प्लेटिंग ऑफ टू प्लेट्स हैविंग डिफरेंट एंटीबायोटिक्स, वो सिलेक्टेबल मार्कर्स हैव डेवलप्ड टू डिफरेंशिएट द रिकॉम्बिनेंट्स फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट्स. ठीक है, देखो अब ये उसकी एबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग द कलर इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सब्सट्रेट, तो ऐसे भी हम लोग पता कर सकते हैं. यहाँ पर एक और नई चीज आई है, देखो एक नई चीज क्या आई है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ये भी एक मार्कर के तौर पर यूज हो रहा है, बीटा galactosidase. So the enzyme is inactivated. It is called as insertional inactivation. Such colonies do not produce any color and they are identified as recombinant colonies. मतलब वो कोई color produce नहीं करने वाले हैं वैसा. हाँ, यहाँ पर ध्यान देना, beta galactosidase की जब बात करो तो उस time पे blue color. हाँ, उस time पे blue color. Beta galactosidase की जब आप बात करते हैं उस time पे blue color. ठीक है, ओके. तो इफ द प्लाज्मिड इन द बैक्टीरिया हैव नो इंसर्शन, ब्लू कलर प्रेजेंट रहेगा, और अगर जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गया तो अब ब्लू कलर नहीं रहेगा. अभी वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन इन द प्लांट एंड एनिमल, तो इसके अंदर आप सिर्फ प्लांट का ही बताएंगे हम लोग को. एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस का क्या केस है, ये टीआई प्लाज्मिड प्रोड्यूस करता है जो कि ट्यूमर इंड्यूसिंग है. देखो यहां पर लिखा हुआ है ट्यूमर इंड्यूसिंग है, टीआई प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम इज मॉडिफाइड इनटू अ क्लोनिंग वेक्टर. अभी देखो हम लोग चोर से चौकीदारी करवाने वाले, क्या केस है, ये ट्यूमर इंड्यूस करते हैं, इसके पास से हम लोग वो ट्यूमर इंड्यूस करने वाला जीन ही साइलेंस कर देंगे और हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट इसके पास दे देंगे. तो ये क्या करेगा हमारा, ये हमारा जो टीआई प्लाज्मिड, जो हमारा एग्रोबैक्टीरियम है, ये टीआई प्लस का जो टीआई प्लाज्मिड है, ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट लेके प्लांट के अंदर चला जाएगा. ठीक है, वैसा नॉन पैथोजेनिक हो चुका है और अब हम लोग उसको हमारे यूज के लिए, हमारे लिए यूज करेंगे उसको. रेट्रोवायरसेस इन एनिमल्स कैन ट्रांसफॉर्म नॉर्मल सेल इनटू कैंसरस सेल्स. सही बात है, तो उनको हम लोग यूज कर सकते हैं, डिलीवर द डिजायरेबल जीन इनटू एनिमल सेल्स, मतलब उनके पास से कैंसर कॉजिंग एबिलिटी ले लेंगे हम लोग और फिर उनको हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट अटैच करके देंगे. कॉम्पिटेंट होस्ट, हमें रिसीव कौन करने वाले हैं, उस वेक्टर को रिसीव कौन करेगा, तो डीएनए इज अ हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल, मतलब इट कैन रिएक्ट विद वाटर बट इट कैन नॉट पास द सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि वाटर सॉल्युबल जो सब्सटेंसेस होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन को पास नहीं कर पाते हैं, लिपिड सॉल्युबल पास कर पाते हैं क्योंकि सेल मेम्ब्रेन हमारी फॉस्फोलिपिड बायलेयर से बनी हुई है. To avoid this problem, bacterial cells are treated with a specific concentration of a divalent cation. कौन सा cation? याद रखो, एकदम ध्यान से याद रखो, please हाँ, नाम है calcium. So the DNA enters the bacteria through the pores. Such cells are incubated with the rDNA on ice.
दे आर प्लेस्ड ब्रीफली एट 42 डिग्री सेंटीग्रेड। आइस पे रखा पहले, मतलब ऑलमोस्ट जीरो या बिलो जीरो डिग्री पे रखा था हमने बैक्टीरिया को, सेल को, और अचानक से उसको हीट शॉक देंगे। क्या देंगे बोलो? हीट शॉक, 42 डिग्री पे लेके जाएंगे, वापस फिर से जल्दी से आइस पे लेके आ जाएंगे। तो क्या होगा पता है, जल्दी जल्दी बैक्टीरिया उस डीएनए को एक्सेप्ट कर लेगा। वैसे दूसरे मेथड क्या है बोलो तो? तो पहले आपको माइक्रो इंजेक्शन देखने को मिलता है, इसके अंदर डायरेक्टली जो डीएनए हमारा सेल के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है। दूसरा बायोलिस्टिक, जिसको जीन गन भी बोलते हैं, इन दिस सेल्स आर बॉम्बार्डेड विद हाई वेलोसिटी मैक्रो पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड या टंगस्टन कोटेड। याद रखना कौन सी कोटिंग है, वो भी पूछ चुका है, बायोलिस्टिक भी पूछा है, जीन गन भी पूछा है। इसके अलावा यहाँ पर आप ये आमतौर से जो प्लांट्स के लिए बायोलिस्टिक और जीन गन, डिजार्म्ड पैथोजन देखोगे तो पैथोजन जो डिजीज कॉज कर सकते थे उनसे डिजीज कॉजिंग एबिलिटी छीन लेना है और हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट उनसे पार्सल करवाने हुए से, ठीक है, उनसे डिलीवरी करवाने सेल के अंदर। प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर सबसे पहली स्टेप जो हम लोग को देखने को मिलती है वो क्या है बोलो? वो आइसोलेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल है। सो द बैक्टीरियल सेल्स, प्लांट हो या एनिमल, आर ट्रीटेड विद द एंजाइम, जैसे कि लाइसोजाइम जो कि बैक्टीरिया को ब्रेक कर सकता है, सेलुलेज जो कि प्लांट सेल वॉल को ब्रेक करेगा, काइटिनेज जो कि फंगल सेल वॉल को ब्रेक करने वाला है। काइटिन पे क्वेश्चन आया था भाई फंगस की सेल वॉल का क्या नाम, तो काइटिन है। द सेल इज ब्रोकन रिलीजिंग डीएनए एंड अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स। अब क्या करेंगे हम लोग, आरएनए इज रिमूव्ड बाय यूजिंग आरएनए को, आपको अगर डाइजेस्ट करवाने तो राइबोन्यूक्लियस लेके आ जाओ, प्रोटीन को अगर डाइजेस्ट करने तो प्रोटीएज लेके आ जाओ, बाकी लोगों को उनके उनके हिसाब से हमको अलग कर लेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, चिल्ड इथेनॉल। वाई चिल्ड इथेनॉल? लास्ट ईयर नीट 2023 एडिशन ऑफ चिल्ड इथेनॉल इन द सैंपल फॉर विच पर्पस? फॉर प्यूरिफाइंग द डीएनए प्रेसिपिटेट। पहले डीएनए को हम प्रेसिपिटेट, चिल्ड इथेनॉल जब हम डालेंगे सैंपल में तो हमारा डीएनए नीचे बैठ जाएगा, डीएनए प्रेसिपिटेट हो जाएगा, ठीक है, ओके। दूसरा देखो तो कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन, तो कट करवाने, उसको कट करवाने के लिए किसको बुलाओगे बोलो? आरई को बुलाओगे, ठीक है, आरई को। प्यूरिफाइड डीएनए इज इंक्यूबेटेड विद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ही हमारा आरई ऑप्टिमल कंडीशंस पे। उसके बाद हम लोग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे सेपरेशन ऑफ डीएनए ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज टू चेक द प्रोग्रेशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम विद डीएनए। डीएनए जो है वो निगेटिवली चार्ज है तो हम लोग फिर वो क्या करेंगे, उसको कैथोड की तरफ मूव करेगा कि एनोड की तरफ बोलो तो इस मूव्स थ्रू द टुवर्ड्स द एनोड, या एनोड की तरफ मूव करने वाला है, क्योंकि एनोड क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है हमारा एनोड। इस वजह से डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट अकॉर्डिंग टू देयर साइज थ्रू द सर्विंग थ्रू द सीविंग इफेक्ट ऑफ द एगरोस जेल, ठीक है, ओके। सीवीड, कौन सी सीवीड बोलो? रोडोफाइसी, उनके नाम बोलो जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया, प्रोडक्ट का नाम अगार अगार, जेल का नाम एगरोस। द स्मॉलर साइज फ्रेगमेंट मूव्स फार्दर, जितना स्मॉलर द साइज ऑफ द डीएनए द फार्दर इट मूव्स। द प्रोसेस इज रिपीटेड विद इन द वेक्टर डीएनए एज वेल, फिर उसके बाद आफ्टर कटिंग द सोर्स डीएनए एंड द वेक्टर डीएनए हम लोग जीन ऑफ इंटरेस्ट को अटैच करेंगे। कैसे अटैच करेंगे, कौन से एंजाइम से बोलो तो? लाइगेस से अटैच करोगे। थर्ड स्टेप देखो तो एम्प्लीफिकेशन ऑफ द जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के अंदर हम लोग मल्टीपल कॉपीज ऑफ डीएनए हम लोग प्रोड्यूस करवाएंगे। एंजाइम का नाम है डीएनए पॉलीमरेज, और हमारे को उसके लिए प्राइमर्स भी चाहिए रहेंगे। प्राइमर्स क्या होते हैं, वो केमिकली सिंथेसाइज्ड ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जो कि हमारे डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री रहने वाले। द एंजाइम एक्सटेंड द प्राइमर यूजिंग द न्यूक्लियोटाइड्स एंड जीनोमिक डीएनए टेम्पलेट थ्रू कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन। द डीएनए सेगमेंट इज एम्प्लीफाइड अप टू 1 बिलियन कॉपीज। 1 बिलियन कॉपी, कितने आपको आपको कितनी बार साइकिल चलानी पड़ेगी तो 1 बिलियन कॉपी मिलेगी? तो यहाँ पर लिख दे रहा हूं मैं आपको, आपको ना 30 times, कितने टाइम्स? 30 times टू ऑप्टेन 1 बिलियन ऑफ कॉपीज ऑफ द डीएनए यू नीड टू रन द पीसीआर साइकिल फॉर 30 times, ठीक है, याद रखना। फॉर एम्प्लीफिकेशन ए थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज, नाम है उसका टैक, क्योंकि बैक्टीरिया का नाम था थर्मस एक्वाटिकस। थर्मस एक्वाटिकस के अंदर से हम लोग निकाल के लाए हैं उसको, जो कि बहुत हाई टेम्परेचर में भी एक्टिव रहता है, डीनेचुरेशन नहीं होता उसका डीएनए बेसिकली। इस मतलब उसका जो थर्मस एक्वाटिकस का जो डीएनए पॉलीमरेज है वो काम करेगा, वो डीनेचर नहीं होगा, ठीक है, वैसा। द एम्प्लीफाइड फ्रेगमेंट कैन बी यूज टू लाइगेट अ वेक्टर फॉर फर्दर क्लोनिंग। देखो यहाँ पर हमारे सामने जो है वो देखो पीसीआर के अंदर 3 steps हैं। पहली स्टेप होती है डीनेचुरेशन, सेपरेशन ऑफ डीएनए, फिर एनीलिंग, उसके ऊपर प्राइमर की स्टार्टिंग है, फिर उसके बाद आता है आपका एक्सटेंशन जिसमें 2 different डीएनए की स्ट्रैंड मिल जाएगी। इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल यूजिंग एनी मेथड, द लाइगेटेड डीएनए इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द रेसिपिएंट सेल, दे टेक अप द डीएनए फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। तो हमारे पास आर डीएनए जो है उसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, क्या है बोलो? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन। सो इट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ई कोलाई सेल, द होस्ट सेल बिकम्स एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट सेल, क्योंकि हमारे पास 3 एम्पिसिलिन रेजिस्टेंसी, इसलिए।
अब देखो एक बायो रिएक्टर जो होता है, बायो रिएक्टर प्रोवाइड्स ऑप्टिमल ग्रोथ कंडीशन फॉर, क्या क्या प्रोवाइड करके देगा बायो रिएक्टर? टेम्परेचर, पीएच, सब्सट्रेट, साल्ट, विटामिन, ऑक्सीजन, ये सब प्रोवाइड करके देगा बायो रिएक्टर। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बायो रिएक्टर क्या है बोलो? स्टर्ड टैंक रिएक्टर, उसके अंदर कंटिन्यूअसली स्टरिंग होती है ताकि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो सके। अब उसके बाद प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट आफ्टर द बायोसिंथेटिक स्टेज जो है, द प्रोडक्ट इज फॉर्मुलेटेड विद सूटेबल प्रिजर्वेटिव सच एज फॉर्मुलेशन अंडरगोज थ्रू आउट क्लिनिकल ट्रायल सच एज क्वालिटी कंट्रोल, क्यूसी बोलते हैं। तो ये बेसिकली हमारी डाउनस्ट्रीम इसके बाद स्टार्ट होगी, वो अपस्ट्रीम था और उसके बाद डाउनस्ट्रीम होगा वैसे। तो ये हमारा देखो पहला वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है, अब हम लोग जो है वो सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। आज के आज ही हम लोग दोनों चैप्टर खत्म कर लेंगे, ठीक है? तो चलो सेकेंड वाला चैप्टर भी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारे सामने सेकेंड वाला चैप्टर आ चुका है। ये भी बायोटेक्नोलॉजी का सेकेंड चैप्टर है, इसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। इससे पहले प्रिंसिपल एंड प्रोसेस था, अब हम लोग बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी इट हैज अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस, वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन। इसके अंदर क्या क्या है देखो, तो बायो फार्मास्यूटिकल, थेराप्यूटिक्स, डायग्नोसिस, जीएमओस, जीएमपीस, जीएमसीज, एग्रीकल्चर के लिए प्रोसेस फूड, बायो रेमेडिएशन, वेस्ट ट्रीटमेंट, एनर्जी प्रोडक्शन एक्सेट्रा। बायोटेक्नोलॉजी के तीन रिसर्च एरियाज हैं बेसिक, कौन कौन से देखो दो, तो प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो या फिर वो कोई प्यूरिफाइड एंजाइम हो। दूसरा है क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशन थ्रू इंजीनियरिंग फॉर अ कैटलिस्ट। और थर्ड जो रहेगा हमारा वो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। अब यहां पर हम देखें डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज टू प्यूरिफाई द प्रोटीन। तो एग्रीकल्चर में क्या क्या, हमारे एग्रीकल्चर में हमारे बायोटेक्नोलॉजी का क्या क्या फंक्शन है, तो चलो देखते हैं। देर आर थ्री ऑप्शंस फॉर इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन। पहले तो आप एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर कर सकते हो, फिर दूसरी चीज आप ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग, या फिर तीसरी चीज आप जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर, जिसको जीएमओ बोलोगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। और हम लोग इसी के ऊपर काम करेंगे, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करवा, ठीक है? चलो, तो ये प्लांट हो सकते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, इधर या एनिमल्स भी हो सकते हैं जो कि ट्रांसजेनिक कहलाएंगे, क्योंकि इनके पास किसी और ऑर्गेनिज्म का जीन है। एडवांटेजेस क्या क्या है बोलो तो हमारे जीएमओस के, तो प्लांट के अंदर हम लोग उसको जीएमपी बोलते हैं। सबसे पहला एडवांटेज ये है कि हमारे प्लांट को ज्यादा टॉलरेट बना देगा, ज्यादा टॉलरेंट बना देगा कोल्ड का, ड्रॉट का, स्कार्सिटी ऑफ वाटर, साल्ट का, हीट का। आमतौर से जो प्लांट जल गया, मर गया, सर्दी से मर गया या फिर गर्मी से जल गया, ये वो इन प्लांट्स के साथ नहीं होने वाला, क्योंकि ये रेजिस्टेंट हो चुके होंगे स्ट्रेस के। दूसरी बात है पेस्ट रेजिस्टेंट, जो इंसेक्ट्स हैं, आमतौर से इंसेक्ट्स आगे जो हमारी फसलों को तबाह कर देते हैं, क्रॉप्स को बहुत ज्यादा वो नुकसान पहुंचाते हैं, तो पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप रिड्यूसेस द यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड। इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। अभी मतलब खेती हो चुकी है, कटाई हो चुकी है, अब हम लोगों ने गोडाउन में रखा है और वहां पर प्रॉब्लम हो रही है, तो वो भी पोस्ट हार्वेस्ट लॉस भी हमारा कम हो जाएगा। इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ द मिनरल यूजेज, हाँ ये कर सकते हैं। इट प्रिवेंट्स द अर्ली एग्जॉस्टन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, मतलब ज्यादा ज्यादा मिनरल हमारा प्लांट एब्जॉर्ब करेगा तो और ज्यादा ज्यादा ग्रो होगा। इसेंशियल एलिमेंट्स हों, एक्सेसरी एलिमेंट्स हों, क्रिटिकल एलिमेंट्स हों, एक्सेट्रा। इट इनहेंसेज द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ द फूड, जैसे कि विटामिन ए एनरिच्ड राइस, क्या नाम उसका बोलो दो, बोलो क्या नाम उसका, उसका नाम है क्या, बोलो क्या नाम उसका, उसका नाम है गोल्डन राइस, क्या नाम है बोलो, गोल्डन राइस, ठीक है? ओके, टू क्रिएट द टेलर मेड, मतलब अपनी मर्जी से, टू क्रिएट द टेलर मेड प्लांट टू सप्लाई द अल्टरनेटिव रिसोर्सेज, जैसे कितना स्टार्च, कितना फ्यूल, कितना फार्मास्यूटिकल वो प्रोड्यूस करके देगा।
ऐसे ही हम लोग पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट भी देख सकते हैं, ये बायो पेस्टिसाइड के जैसे काम करते हैं। इसमें सबसे बेस्ट जो हुआ वो बीटी कॉटन हुआ, बैसिलस थुरिंजियेंसिस को इंट्रोड्यूस किया, उसके जीन्स को बीटी कॉटन। आगे डिटेल में पढ़ेंगे तो बीटी कॉटन है, बीटी कॉर्न, बीटी राइस, टोमेटो, पोटैटो, सोयाबीन एक्सेट्रा, इसके अंदर से हम पढ़ने वाले हैं बीटी कॉटन के बारे में डिटेल में। देखो कुछ स्ट्रेन है, बैसिलस थुरिंजियेंसिस नाम का एक बैक्टीरिया है जिसके पास एक स्पेशल प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन का नाम क्या है बोलो, उस प्रोटीन का नाम है क्राय प्रोटीन, क्राय 1AC, क्राय 2AC, क्राय 2AB, वैसे। तो ये किसको किल करता है, क्वेश्चन आ चुका है, कोलियोप्टेरा, लेपिडोप्टेरा एंड डिप्टेरा, इन तीन ऑर्डर्स को। कोलियोप्टेरा में कौन है, तो भाई कोलियोप्टेरा में बीटल्स आते हैं। लेपिडोप्टेरा में कौन है, तो लेपिडोप्टेरा में कौन है, टोबैको बर्ड वर्म है और आर्मी वर्म है। डिप्टेरा में कौन है, डिप्टेरा में फ्लाइज एंड मॉस्किटोज हैं। तो बैसिलस थुरिंजियेंसिस फॉर्म्स ए टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन जिसको हम लोग बीटी टॉक्सिन बोलेंगे। ये जो है बैक्टीरिया को नहीं मारता, रादर ये क्यों नहीं मारता बोलो तो, क्योंकि एक्टिव फॉर्म में नहीं है ये प्रोटॉक्सिन। किसी भी वर्ड में प्रो या जन लगा दो, सफिक्स या प्रीफिक्स, प्रीफिक्स या सफिक्स लगा दो तो वो उसका इनएक्टिव फॉर्म बन जाता है। जैसे फाइब्रिन फाइब्रिनोजन, थ्रोम्बिन प्रोथ्रोम्बिन, तो टॉक्सिन प्रोटॉक्सिन। तो हो सकता है आप ये क्वेश्चन पूछेंगे सर ये टॉक्सिन जो है तो बैक्टीरिया को भी मार सकता है ना, बैक्टीरिया की बॉडी में रहता है तो बैक्टीरिया की बॉडी में ये इनएक्टिवेटेड फॉर्म में रहता है, और जब ये इंसेक्ट की बॉडी में जाते हैं तब कहीं जाके ये जो है एक्टिवेटेड होगा। देखो when the insect ingests the टॉक्सिन इट बिकम्स एक्टिव ड्यू टू द अल्कलाइन pH। ये गट के अंदर सिर्फ अल्कलाइन pH में ही एक्टिवेट हो पाता है, ठीक है, विच सोलुबलाइजेस द क्रिस्टल्स। अब कैसे मारता है इस पे क्वेश्चन आ चुका है। टॉक्सिन बाइंड्स टू द सर्फेस ऑफ मिड गट, प्लीज फोर गट दिया था देखो इस साल, मिड गट एपिथेलियल सेल, कहां पर मिड गट एपिथेलियल सेल्स, और वहां पर पोर्स बना देता है। क्या बना देता है बोलो, वहां पर बना देता है ये पोर्स। अब इट कॉजेज द सेल स्वेलिंग एंड लाइसिंग लाइसिस एंड डेथ ऑफ द इंसेक्ट। इट कॉजेज सेल स्वेलिंग एंड लाइसिस एंड डेथ ऑफ द इंसेक्ट, सेल स्वेलिंग के थ्रू। देखो पहली बात तो ये है कि भाई पोर बना दे रहे, उसके बाद वो सेल स्वेलिंग कर रहे हैं और उसके बाद मार रहे हैं हमारे इंसेक्ट को। बीटी टॉक्सिन वेर आइसोलेटेड फ्रॉम द बैसिलस थुरिंजियेंसिस और एड कर दिया हमारे कॉटन प्लांट के अंदर। तो मोस्ट बीटी टॉक्सिन आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक, ठीक है, उस जीन का नाम है क्रायजीन। क्रायजीन क्राय 1AC एंड क्राय 2AB जो है ये कॉटन बॉल वर्म को कंट्रोल करते हैं, एंड क्राय 1AB जो है ये कॉर्न बोरर को कंट्रोल करते हैं। इसको टेबल में पूछता है अक्सर ध्यान से। निमेटोड रेजिस्टेंसी, निमेटोड का नाम है मेलिडोगाइनी इनकॉग्निशिया, ये रूट ऑफ टोबैको प्लांट को इन्फेक्ट कर देता है। तो हमको क्या करना है बोलो तो, इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय RNAi की टेक्निक, नाम है RNA इंटरफ्रेंस। क्या नाम है, RNA इंटरफ्रेंस स्ट्रेटेजी। इसके अंदर RNAi, देखो RNAi दो टाइप के होंगे, miRNA है और siRNA। इतना डिटेल में आपको नहीं है बट फिर भी मैं आपको फॉर द नॉलेज बीइंग बता दे रहा हूँ। माइक्रो RNA होता है और स्मॉल इंटरफेयरिंग RNA होता है, ये दोनों टाइप है इसकी। अब इट प्रिवेंट्स द ट्रांसलेशन ऑफ अ स्पेसिफिक mRNA साइलेंसिंग ड्यू टू अ कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड DNA मॉलिक्यूल। केस क्या है पता है क्या, देखो DNA ने वो RNA बनाया, ठीक है, mRNA बनाया, और हमने जो RNA इंट्रोड्यूस किया ये उसका कॉम्प्लीमेंट्री है, तो ये फौरन जाके उस mRNA के साथ डबल स्टैंडर्ड RNA बना देगा। अब वो mRNA पहुंच ही नहीं पाएगा आगे, तो फिर उसका तो कोई काम ही नहीं हो पाएगा वैसे। तो RNA इंटरफ्रेंस स्ट्रेटेजी बोलते हैं इसको। द सोर्स ऑफ दिस कॉम्प्लीमेंट्री RNA इज फ्रॉम एन इन्फेक्शन बाय RNA वायरस और मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोजोन्स, बाबरा मैक्लिंटॉक, द जंपिंग जीन्स दैट रेप्लिकेट्स वायरा RNA इंटरमीडिएट। ट्रांसपोजोन्स जो RNA इंटरमीडिएट के थ्रू ही रेप्लिकेट करते हैं। तो हम लोग एग्रोबैक्टेरियम वेक्टर ले लेंगे, निमेटोड स्पेसिफिक जीन्स, वहां पर देखो दीज आर इंट्रोड्यूस इनटू होस्ट प्लांट। इट प्रोड्यूसेस बोथ सेंस एंड एंटी सेंस RNA इन द होस्ट सेल। दीज RNAs आर कॉम्प्लीमेंट्री, तो ये क्या कर देंगे फौरन डबल स्टैंडर्ड RNA बना देंगे। अब dsRNA अगर बन गया तो उससे इट इनिशिएट्स द RNAi, RNA इंटरफेरेंस एंड साइलेंसेस द स्पेसिफिक mRNA ऑफ निमेटोड। जो निमेटोड का जो वाला mRNA जो प्रोटीन प्रोड्यूस करके इन्फेक्शन करने वाला था ना, हम लोग उसका ही कॉम्प्लीमेंट्री एक और RNA बना के दे देंगे। तो ये mRNA जब राइबोसोम के पास पहुंचेगा तब कहीं तो ट्रांसलेशन होगा। इस mRNA को हमने उधर ही रोक के रख दिया, उसका एक दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री RNA बना के उसको वहीं पर डबल स्टैंडर्ड बना के रोक दिया। इसको बोलते हैं RNA इंटरफेरेंस टेक्निक, ठीक है, ओके। मेडिसिन में क्या एप्लीकेशन बायोटेक का, तो रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी हेल्प्स फॉर द मास प्रोडक्शन ऑफ सेफ एंड मोर इफेक्टिव थेराप्यूटिक ड्रग्स। बिल्कुल करेक्ट बात है ये, बिल्कुल। अब आगे देख लेते हैं,
The product from non-human sources induce unwanted immunological responses. देखो non-human ये question आ चुका है. Non-human sources के products जो थे ना वो हमारे अंदर immunological responses. जैसे मैं for example बताऊँ क्या आपको. जैसे cattle की body से या pig या horse की body से जो insulin isolate किया जाता था तो उसके अंदर जो amino acid की sequences थी और हमारी body के अंदर जो amino acid की sequences उनमें एकदम slight सा change है लेकिन है. तो हमको क्या करने रिकॉम्बिनेंट थेरापीटिक्स जो है ना उनके अंदर कोई ये प्रॉब्लम ही नहीं आने वाली क्योंकि हमारे ही डीएनए का हम लोग इंसुलिन बनवाने वाले हैं. किसी भी ऑर्गेनिज्म से बनवाए माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनवाए लेकिन वो हमारा खुद का इंसुलिन रहेगा. और उसको इंसुलिन को क्या बोलते हैं बोलो उसको. देखो मैं लिख रहा हूं देखो तो क्या लिखा मैंने बोलो तो बोलो ये मैंने लिखा हुआ है ह्यूमुलिन. इसको ह्यूमन इंसुलिन बोलते हैं ठीक है. एट प्रेजेंट 30 रिकॉम्बिनेंट थेरापीटिक्स आर अप्रूव्ड जिनमें से इंडिया की मार्केट में 12 आ चुकी है. सॉरी ओके इंडिया की मार्केट में 12 आ चुकी है. जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन. इंसुलिन इज यूज्ड टू मैनेज क्या बोलो तो एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज. इंसुलिन फ्रॉम द पैनक्रियाज ऑफ एनिमल जैसे कि कैटल और पिग्स थी इससे एलर्जी हो जा रही थी. क्यों एलर्जी हो रही थी अभी रीजन बताया मैंने बोलो तो क्योंकि इनके अमीनो एसिड का सीक्वेंसेस जो है वो स्लाइटली डिफरेंट देन अस है. इट इज पॉसिबल टू प्रोड्यूस द ह्यूमन इंसुलिन. ह्यूमन इंसुलिन का नाम क्या बोला मैंने अभी. ह्यूमन इंसुलिन का नाम है ह्यूमुलिन using the bacteria. The insulin consists of two short polypeptide chains. इसको chain A और chain B बोलते हैं और उनके उनके bond उनका जो linked है वो by disulfide bridges. Need 2022 में question देख लेना. Application in medicine देखो ये हमारे सामने है ठीक है. Mammals के अंदर insulin जो pro hormone के तौर पे produce होती है. Pro hormone का क्या मतलब. तो problem ये है कि A, B और ऐसे C भी joined रहती है इसमें ए बी और सी. लेकिन ये जो मैच्योर इंसुलिन है उसके अंदर सी नहीं रहती. यहाँ पर डायग्राम में देखो तो डायग्राम में आपको समझ में आएगा कि भाई ए पेप्टाइड बी पेप्टाइड और सी पेप्टाइड तीनों हैं. लेकिन जब आप मैच्योर देखेंगे तो ये दोनों के बीच में आपको डायसल्फाइड लिंकेज दिख रहा है लेकिन देखो सी पेप्टाइड क्या हो गई है फ्री हो गई है वैसा. इट नीड्स प्रोसेसिंग टू बिकम मैच्योर एंड फंक्शनल. लेकिन जब हमको आर्टिफिशियल बनवाना है तो फिर हमको सी पेप्टाइड बनाना चाहिए क्या. नहीं बनाने की जरूरत है. तो देखो 1983 में एली लिली नाम की एक कंपनी थी अमेरिकन जिसने दो ही सीक्वेंसेस के थ्रू ए और बी चेन्स और ये अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रोड्यूस करवाया गया था. इंट्रोड्यूस इनटू द प्लाज्मिड्स ऑफ इकोलाई टू प्रोड्यूस द इंसुलिन चेन. उसके बाद जब वो प्रोड्यूस हो गई तो फिर उसको हम लोगों ने किस ब्रिज से फिर से अटैच किया. डायसल्फाइड बॉन्ड डायसल्फाइड ब्रिजेस ठीक है. देखो डायसल्फाइड बॉन्ड्स एंड डायसल्फाइड ब्रिजेस ऐसे डायसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू हमने उसको अटैच करवा लिया ना ठीक है. चलो आगे. अब जीन थेरेपी. जीन थेरेपी का क्या मेथड है. देखो इट इज अ मेथड टू करेक्ट जेनेटिक डिफेक्ट इन द चाइल्ड और एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ज्यादा बेटर रहेगा. जीन्स आर इंसर्टेड इनटू अ पर्सन सेल एंड टिश्यूज टू ए हेरिडिटरी डिजीज. इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे एक नॉन फंक्शनल जीन जो उसके अंदर काम नहीं कर रहे एक्स्ट्रा में वो जीन ऐड करके दे देंगे हम लोग या तो एम्ब्रियो में या फिर चाइल्ड के अंदर. फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी 2021 में क्वेश्चन आया था. Was given to a 4-year-old girl. क्या केस था adenosine deaminase की deficiency. Adenosine deaminase deficiency, the disorder is caused due to the deletion of the gene for adenosine deaminase. तो उसको क्या किया था बोलो तो ये immune system उसका काम नहीं कर रहा था क्योंकि वो सबसे important enzyme है immune system के function करने के लिए. This can be cured by bone marrow transplantation or by enzyme replacement therapy. तो enzyme replacement therapy के अंदर क्या किया The injection of functional adenosine deaminase, but ये completely curative नहीं है. तो gene therapy में हम क्या करते हैं lymphocytes, उसी patient का lymphocyte from the patient's blood are grown in a culture. फिर उसके बाद एक ADA का cDNA, complementary DNA हम लोग copy करके उसके अंदर retrovirus के through हम लोग जो है reverse transcription करवा के बनवा लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे उसको lymphocyte के अंदर introduce करेंगे उसी पेशेंट के लिम्फोसाइट में और फिर से इस लिम्फोसाइट को पेशेंट के अंदर हम लोग इंजेक्ट कर देंगे. तो इससे क्या होगा बोलो तो उस पेशेंट के इम्यून सिस्टम काम करने लगेगा. लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है कि लिम्फोसाइट्स इमॉर्टल नहीं है मतलब ये अमर नहीं है ये इनकी डेथ होना ही है. तो इसलिए वह उनको पीरियोडिक बार बार हम लोगों को उनको इंजेक्ट करना पड़ेगा लिम्फोसाइट्स का. लेकिन अगर इम्ब्रियोनिक कंडीशन में ये अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में अगर ये इंट्रोड्यूस कर दिया गया ना तो ये परमानेंट क्योर हो सकता है. ऐसे मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस देखो तो अर्ली डायग्नोसिस ऑफ डिजीज यूजिंग द कन्वेंशनल मेथड आर नॉट पॉसिबल. अर्ली डायग्नोसिस ऑफ द डिजीज यूजिंग द कन्वेंशनल मेथड आर नॉट पॉसिबल. आरडीएनए तो इसके अंदर देखो पीसीआर और एलाइजा दो चीजों के ऊपर काम कर रहे हैं. एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट
ऐसे ये अर्ली डायग्नोसिस के लिए काम करता है। तीन चीजें हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, पीसीआर और एलाइजा, ये अर्ली डायग्नोसिस के तौर पे काम करते हैं। वेयर एज यहां पर देखो लिखा हुआ है सीरम एंड यूरिन एनालिसिस, ये लोग अर्ली डायग्नोसिस पे काम नहीं करते। जब हमें वो डिजीज हो जाती है तो हम हमारी यूरिन चेक करवाते हैं, और यहां पर वो डिजीज हुई नहीं है अभी, जस्ट पैथोजन इंटर हुए, फिर भी आरडीएनए, पीसीआर और एलाइजा टेक्निक उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। पीसीआर देखो तो प्रेजेंस ऑफ अ पैथोजन इज नॉर्मली सस्पेक्टेड ओनली बेस्ड ऑन सिम्टम्स, करेक्ट है। बाय दिस टाइम द कंसंट्रेशन ऑफ पैथोजन इंक्रीजेस, लेकिन वेरी लो कंसंट्रेशन से हम कैसे पता कर सकते हैं बोलो तो, हम लोग पीसीआर यूज करके पता कर सकते हैं। कैसे देखो तो उसके अंदर बेसिकली अलग डीएनए मिल जाएगा ना, जैसे पीसीआर के अंदर हम लोग डीएनए एम्पलीफाई करवा रहे हैं तो उसके अंदर किसी और का डीएनए मिला, समझ जाना भाई डिजीज कॉजिंग एजेंट बॉडी के अंदर आया हुआ है। तो टू डिटेक्ट द एचआईवी इन सस्पेक्टेड एड्स पेशेंट, सस्पेक्टेड एड्स मतलब वो अभी चेकअप हुआ नहीं है, सस्पेक्टेड एड्स पेशेंट के अंदर हम लोग एचआईवी पता कर सकते हैं। टू डिटेक्ट द जीन म्यूटेशन इन सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट के अंदर, और टू आइडेंटिफाई मेनी अदर जेनेटिक डिसऑर्डर से भी हम लोग पीसीआर से पता कर सकते हैं, नॉर्मल डीएनए से वो मैच नहीं करेगा। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए टैग्ड विद अ रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल, उसको प्रोब बोला जाता है। रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल को क्या बोलते हो, प्रोब बोलते हो, उसको हाइब्रिडाइज किया जाएगा उसके सी डीएनए से, ठीक है। और इन ए क्लोन ऑफ सेल फॉलोड बाय, इन ए क्लोन ऑफ सेल फॉलोड बाय डिटेक्शन यूजिंग ऑटो रेडियोग्राफी, इसके अंदर क्लोन है, म्यूटेटेड जीन विल नॉट अपियर। मैंने बोला ना आपको कि हमारे पास पूरा ऑलरेडी पूरी लाइब्रेरी है जीन की, तो हमारा म्यूटेटेड जीन का जो है प्रोब मिलेगा नहीं हम लोगों को, तो वो द क्लोन हैविंग म्यूटेटेड जीन विल नॉट अपियर ऑन द फोटोग्राफिक फिल्म, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी शो नहीं कर पाएगा वो, क्योंकि प्रोब जो है वो म्यूटेटेड जीन्स के लिए है नहीं, प्रोब तो नॉर्मल जीन्स के लिए है, और म्यूटेटेड जीन से प्रोब मैच कर नहीं पाएगी तो कलर मिलेगा नहीं हम लोगों को, तो ऐसे हमें पता चल जाएगा। एलाइजा की बात करूं, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट, ऐसे इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, ठीक है। एंटीजन जो है वो बाहर से फॉरेन सब्सटेंस होता है, और उसके रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी जो प्रोड्यूस करती है उसको एंटीबॉडी बोलते हैं। तो इन्फेक्शन बाय पैथोजन कैन बी डिटेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन, जिसको प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन, और बाय डिटेक्टिंग द एंटीबॉडीज सिंथेसाइज्ड अगेंस्ट द पैथोजन बोला जाएगा, ठीक है। ध्यान से देख लो एलाइजा, अभी ट्रांसजेनिक एनिमल, दीज आर द एनिमल हुज जीनोम हैज बीन अल्टर्ड बाय इंट्रोडक्शन ऑफ एक्स्ट्रा फॉरेन जीन बाय मैनिपुलेशन। दुनिया में आपको ट्रांसजेनिक रैट रैबिट, पिग, शीप, काउ, फिशेस, बट 95% टोटल में आपको सिर्फ माइस मिलने वाले हैं, माइस, ठीक है। अब क्या फायदा है बोलो तो बेनिफिट ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स का, सो टू स्टडी द रेगुलेशन ऑफ जीन्स एंड देयर एक्शन ऑन नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। इसके अंदर देखो द स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स फैक्टर, जैसे कि इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर के बारे में आप स्टडी कर सकते हो। अल्टरिंग द फॉर्मेशन ऑफ दिस फैक्टर्स आर इंट्रोड्यूस्ड एंड द बायोलॉजिकल इफेक्ट्स आर स्टडीज। इसके अंदर देखो तो द इंफॉर्मेशन अबाउट द बायोलॉजिकल रोल ऑफ द फैक्टर, सब कुछ पता कर सकते हो। हमारे रिस्पेक्टेड प्रोफेसर बोला करते थे कि इफ यू वॉन्ट टू नो द फंक्शन ऑफ अ जीन जस्ट ब्लॉक द जीन, एंड इफ यू ब्लॉक द जीन द फंक्शन विल नॉट हैपन, एंड इफ द फंक्शन इज नॉट गेटिंग हैपन अल्टीमेटली दैट इज द फंक्शन ऑफ दिस जीन। सिंपल बात है कि भाई एक बंदे का अगर आपको उसका फंक्शन देखना है किसी भी टीम के अंदर, उस बंदे को उस दिन उसकी टीम में मत जाने दो, तो टीम जो काम नहीं कर पाएगी वही फंक्शन हमारे इस बंदे का है। टू स्टडी द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ जीन इन द डेवलपमेंट ऑफ अ डिजीज एंड देयर बाय न्यू ट्रीटमेंट, ट्रांसजेनिक मॉडल फॉर मेनी ह्यूमन डिजीजेस, जैसे कि कैंसर है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, अल्जाइमर्स है, ये याद रखो, ये एग्जाम्पल्स याद रखो, क्वेश्चन आ चुके। कुछ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बनवा सकते हैं कि हम लोग इनसे, ट्रांसजेनिक एनिमल से? बिल्कुल बनवा सकते हैं, ठीक है। दिस ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस यूजफुल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूसिंग जीन विच कोड फॉर ह्यूमन पर्टिकुलर प्रोडक्ट। देखो इसके अंदर सबसे पहला जो है 1997 का केस था रोजी का, ह्यूमन। देखो इसके अंदर एक है अल्फा, ये अल्फा लिखो, ये अल्फा है, अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन यूज्ड टू ट्रीट द इम्फाइजीमा, ये ट्रीटमेंट ऑफ फिनिल कीटोन्यूरिया, द पेशेंट विच आर हैविंग द फिनिल एलानिन इन देयर यूरिन आर कॉल्ड एज फिनिल कीटोन्यूरिक सब्जेक्ट। और उसके अलावा सिस्टिक फाइब्रोसिस, याद रखना सिस्टिक फाइब्रोसिस और फिनिल कीटोन्यूरिया के लिए हम लोगों ने अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन ह्यूमन प्रोटीन इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, प्रोड्यूस भी करवा सकते हैं, ठीक है। ओके, रोजी फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ थी ये, इसके बाद ह्यूमन प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क था, मतलब इसका जो मिल्क था ना उसके अंदर ह्यूमन प्रोटीन था, उसका नाम था, ह्यूमन प्रोटीन का क्या नाम है, यहाँ पे भी अल्फा है, ह्यूमन प्रोटीन का नाम है अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन, जो कि 2.4 ग्राम पर लीटर था, मतलब मैक्सिमम है, बहुत ज्यादा अमाउंट में है, 2.4 ग्राम पर लीटर, इट कंटेन्स ह्यूमन अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन, बेसिकली केसिन प्रोटीन, इट इज मोर बैलेंस्ड प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन बेबीज,
वैक्सीन सेफ्टी के लिए हम लोग ट्रांसजेनिक माउस को ही यूज करते हैं. दे आर यूज टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ द पोलियो वैक्सीन. इफ इट इज रिलायबल दे कैन रिप्लेस द यूज ऑफ मंकीज पे यूज किया जाता है. फिर अभी हम लोग जो है इसके ऊपर माउस को भी यूज कर रहे हैं वैक्सीन सेफ्टी के लिए. और हो सकता है हम लोग फिर मंकीज को रिप्लेस कर दे माउस से. आई एम सॉरी, हम लोग माउस को रिप्लेस कर दे मंकीज से. केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग, टॉक्सिसिटी टेस्टिंग. देखो, ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर मेड दैट कैरी जीन विच मेक देम मोर सेंसिटिव टू टॉक्सिक सब्सटेंसेस देन द नॉन ट्रांसजेनिक. क्या बोल रहे हैं भाई, ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर मेड टू दैट कैरी विच मेक्स देम मोर सेंसिटिव टू टॉक्सिक सब्सटेंस देन नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल्स. एकदम सेंसिटिव बना के रख दो, एकदम सेंसिटिव बना के रख दो, तो एकदम इवन द माइल्डेस्ट अमाउंट ऑफ द टॉक्सिन्स दे विल डिटेक्ट. दे आर एक्सपोज टू द टॉक्सिक सब्सटेंसेस एंड द इफेक्ट आर गिविंग अस द इमीडिएट रिजल्ट. एकदम सेंसिटिव बना के रख दिया ना इस वजह से. एथिकल इश्यूज देख लो, तो भाई एथिकल इश्यूज के अंदर हम लोग को प्रॉब्लमेटिक ऑफ अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट मिल सकते हैं. कुछ प्रॉब्लम्स हैं जेनेटिक मॉडिफिकेशन के अंदर. जैसे देखो, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या बनाया, GIAC बनाया. क्या है फुल फॉर्म, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी टू मेक द डिसीजन अबाउट वैलिडिटी ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड रिसर्च एंड द सेफ्टी ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म. पेटेंट का प्रॉब्लम आ रहा है भाई, कुछ कंपनीज हैं वो प्रोडक्ट का पेटेंट ही लेते चले जा रहे हैं. यूजिंग ऑफ लाइक जेनेटिक मटेरियल प्लांट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड डेवलप्ड एंड यूज्ड बाय फार्मर्स और इंडिजिनस पीपल. नेटिव पीपल जो है वो हजारों साल से यूज कर रहे हैं, कंपनीज उसका पेटेंट ले ले रही है. जैसे कि बासमती राइस हो गया और हर्बल मेडिसिन है, टर्मेरिक है, नीम है. बासमती का देखो क्या केस है, तो भाई बासमती का केस ये है, बासमती का ये केस है कि इसका एक बहुत अच्छी खुशबू होती है. इट हैज यूनिक अरोमा एंड द फ्लेवर. इंडिया के पास 27 वराइटीज ऑफ बासमती है. 1997 में अमेरिकन कंपनी को इसका बासमती राइट का पेटेंट मिल गया था US पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस के अंदर. और इसने अलाउ किया था कंपनी टू सेल ए न्यू वराइटी ऑफ बासमती, टेक्समती, टेक्सास, कैलिफोर्निया. दिस वॉज एक्चुअली डिराइव्ड फ्रॉम द इंडियन फार्मर्स वराइटीज. इंडियन बासमती वॉज क्रॉस्ड विथ सेमी डॉर्फ वराइटी ऑफ एंड क्लेम्ड एज अ नॉवेल्टी. अदर पीपल सेलिंग बासमती राइस कुड बी रिस्ट्रिक्टेड बाय पेटेंट. तो ऐसा प्रॉब्लम है, ठीक है, ओके. तो समहाउ हमारा बायोटेक्नोलॉजी का यूनिट जो कंप्लीट हुआ. एक सिंगल शॉट में पूरा यूनिट खत्म कर देना वो काइंड ऑफ मेरे लिए टफ टास्क था. लेकिन मुझे स्पेसिफिकली अपने स्टूडेंट्स को थैंक यू बोलना है. थैंक यू वेरी मच, आप लोगों के कंटिन्यू सपोर्ट की वजह से ये पॉसिबल है और आगे भी आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे, इसकी मैं पूरी उम्मीद करता हूँ. लास्टली मैं फिर से वही बात करूंगा कि हम लोग देखो कंटिन्यूअसली वन शॉट वीडियोस अपलोड करते रहेंगे. आज तो हम लोगों ने दो चैप्टर्स ही खत्म करके रख दिए. बायोटेक्नोलॉजी के पूरे यूनिट में दो चैप्टर आते हैं, तो दोनों खत्म कर दिए हम लोग. अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हमारे नए वन शॉट वीडियोस के साथ. थैंक यू वेरी मच, सब्सक्राइब कर दिया होगा चैनल आपने अभी तक, इसको ना अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो. बार बार मैं बोल रहा हूँ आपको, वी लिटरली हैव टू रीच अ लॉन्गर वाइडर ऑडियंस, तो उसके लिए आपका सपोर्ट सबसे ज्यादा मस्ट है, ठीक है. थैंक यू वेरी मच.